morning dear student, welcome to Gramathan online classes. Dear student, today will we read science chapter 3, parts of plants. Dear student, we see our surrounding many of plants, some of big tree, some of small plant, some of very short plants. Okay, dear student, our body made of different of parts as it is. प्लांट्स के भी जो डिफरेंट पार्ट्स को मिलाकर उसके बॉडी उनका स्ट्रक्चर बनता है. जिस प्रकार से आपके बॉडी पार्ट्स आपकी हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल माउथ से आप ईटिंग करते हैं, आई से सी करते हैं, देखते हैं, ईयर से सुनने का काम करते हैं, हैंड से अदर वर्क करते हैं, इसी प्रकार से प्लांट्स के भी बॉडी पार्ट्स उनके भी जो पार्ट्स हैं उनके अदर वर्क करने में उनकी हेल्प करते हैं. तो यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. लेट स्टार्ट. ओके डियर स्टूडेंट, द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो अप इन द ग्राउंड आर कॉल्ड शूट एंड द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच ग्रो इन द ग्राउंड आर कॉल्ड रूट. शूट, शूट पार्ट के अंदर फ्लावर, लीव्स, वर्ड एंड फ्रूट और ब्रांचेस आते हैं. वहीं सेकेंड, वहीं रूट के अंदर हम उसको डिवाइडेशन प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट में कर सकते हैं. ओके, प्राइमरी रूट आपने देखा होगा प्लांट्स की जो मेन ब्रांचेस निकली होती है, मेन ब्रांचेस जो होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं. वहीं उनकी मेन ब्रांचेस से लगी हुई अदर ब्रांचेस जो ग्रो की हुई होती है, जो निकली होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं. डियर स्टूडेंट, आपके बॉडी पार्ट्स जिस प्रकार से अदर वर्क करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, उसी प्रकार से प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स उनके पार्ट्स जो है उसकी हेल्प करते हैं. तो हम प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स उनके फंक्शन को पढ़ेंगे. ओके, फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट आर रूट. फर्स्ट आर रूट. रूट, रूट को हम, रूट टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप आर टैप रूट एंड सेकेंड टाइप आर फाइब्रस रूट. फॉर टैप रूट फॉर एग्जांपल बीन, मस्टर्ड एंड फाइब्रस रूट फॉर एग्जांपल ग्रास, वीट एंड एक्स्ट्रा. डियर स्टूडेंट, टैप रूट, व्हाट इज द टैप रूट? टैप रूट ऐसे रूट को कहते हैं जो मेन ब्रांचेस के साथ अदर ब्रांचेस ग्रो की हुई होती है, निकली हुई होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं. और ऐसे रूट जो एक मेन ब्रांचेस से ना निकलकर अपनी अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाएं निकली होंगी, आपने, आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो इसी तरीके का फिगर आपके बुक के अंदर भी दिया गया. इसके लिए आप एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रास एंड वीट, इनके ऐसे रूट होते हैं जो अलग अलग इनके रूट आपको दिखाई देंगे, एक दूसरे से अटैच नहीं होते, इनको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं. अब रूट्स के वर्क क्या है, प्लांट्स रूट्स के लिए क्या काम करता है. प्लांट्स जो है अर्थ से मिनरल्स, वाटर ऑब्जर्व करने का काम करता है, और वहाँ से ऑब्जर्व करके वो स्टेम को पास करता है, और स्टेम अदर पार्ट्स तक उसे पहुँचाने का काम करता है. सेकेंडली, सेकेंड वर्क आर, ये जो है अर्थ को, सैंड को, हमें पता है कि रूट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करके ये जो सैंड है वहाँ पे सैंड को अच्छे से होल्ड करके रखता है, ताकि प्लांट अच्छे से स्टेबल रहे, वो हिले नहीं, वो जल्दी से टूटे नहीं. आपने देखा होगा काफ़ी तेज़ हवा भी चलती है, आंधी भी आती है, तो भी प्लांट अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं. वो इस वजह से रहते हैं क्योंकि उसके, उनके जो रूट है वो अच्छे से सैंड को, अच्छे से सॉइल को जो है होल्ड करके रखते हैं. तो इनके मेन जो है रूट के, ये मेन वर्क है, मिनरल्स लेना, मिनरल्स वाटर को ऑब्जर्व करना, और सोइल को अच्छे से होल्ड करना. और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स जो है अपने एक्स्ट्रा फूड को भी अपने रूट में स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिस, ये अपने, जिसको हम फूड के तौर पर खाते हैं, ये अपने एक्स्ट्रा फूड को रूट में स्टोर करते हैं. जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ये रूट हैं, और ये रूट में ही अपने एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं. तो ये इनके मेन वर्क हो गया. सेकेंड पॉइंट आर स्टेम. डियर स्टूडेंट, स्टेम भी थ्री टाइप के होते हैं.
फर्स्ट टाइप आर सॉफ्ट स्टेम, फॉर एग्जाम्पल मिंट, कोरिएंडर। आपने देखा होगा कि आपके घर में धनिया पुदीने का पत्ते आते होंगे, तो आपने देखा होगा उसको टच करके भी देखा होगा कितना सॉफ्ट होते हैं ना। तो इसका देखिए थर्ड वीक स्टेम वाटरमेलन। वाटरमेलन भी जो है एक बेल की तरह होता है, ये मतलब प्लांट की तरह स्टेबल नहीं होता है, ये एक बेल की तरह अर्थ पर ही फैलता है। थर्ड आर हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम, फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री, नीम ट्री। डियर स्टूडेंट, इनके स्टेम जो होते हैं जिनको हम ट्रंक भी कहते हैं, ये काफ़ी हार्ड, ये काफ़ी मजबूत होते हैं, तभी तो इतना बड़ा जो प्लांट होता है, पेड़ जो होता है, ट्री जो होता है, वो इतने अच्छे से स्टेबल रहता है। ओके, तो मेन अब इनके फंक्शन क्या है, इनके काम क्या है। डियर स्टूडेंट, इनके फंक्शन जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि रूट वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है और आगे किसे पास करता है, उस स्टेम को पास करता है। तो स्टेम अदर पार्ट्स के अदर पार्ट्स तक मिनरल्स वाटर को पहुंचाने का भी काम करता है। और एक और आप वर्क ये कह सकते हैं कि ये कैक्टस जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, वो ऐसे स्टेम के लीव्स नहीं होते, तो ये स्टेम फूड प्रिपेयर करने का भी काम करती है। ओके, थर्ड पॉइंट आर लीफ। लीफ मेन पार्ट ऑफ प्लांट एंड मेन रोल ऑफ ये जो प्लांट के अंदर जो है मेन रोल जो होता है वो लीफ का होता है, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए क्या करती है, फूड प्रिपेयरिंग का काम करती है। डियर स्टूडेंट, अगर आप प्लांट्स के लीव्स को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसके बीच में एक मेन लाइन आपको दिखाई देगी, उसको आप क्या बोलेंगे, मेन वेन या मिड्रिप भी बोल सकते हैं, मेन वेन या मिड्रिप भी बोल सकते हैं। और आप उसके साइड लाइन को भी चेक करेंगे, साइड लाइन देखेंगे, उसको साइड वेन या साइड वेन आप बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने ये देखा होगा कि साइड वेन मेन वेन के अलावा जो उसका ग्रीन एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लेड या लेमिना भी बोल सकते हैं आप। और ये आपने लीव्स और ब्रांचेस के साथ जो छोटी ब्रांच, छोटे जो स्टेम्स के साथ लगा होता है, उसको आप क्या कहते हैं, स्टॉक बोलेंगे। ओके, अब इनके वर्क, अब लीव्स जो है ये प्लांट के लिए क्या काम करती है, ये प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल नाम का एक तत्व, एक पदार्थ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनरे के साथ मिलकर प्लांट के लिए भोजन, फूड प्रिपेयर करने का काम करता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोला जाता है। ओके, डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा ये कि प्लांट्स के अंदर एक छोटे छोटे होल होते हैं, जिस तरीके से हमारे बॉडी में होल होते हैं, जैसे हम आपने देखा होगा हवा चलते हैं, हमें ठंडा सा महसूस होता है, इसी तरीके से प्लांट्स के लीव्स में भी होल होते हैं जिससे वो ब्रीथिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और भोजन प्रिपेयर करने में इनकी हेल्प करना। तो ये मेन वर्क किसके हो गए, ये मेन वर्क किसके हो गए, लीव्स के हो गए। सेकेंड पॉइंट आर फ्लावर। फ्लावर जो है एक प्लांट के रिप्रोडक्शन में उसकी काफ़ी हेल्प करता है, या मेन रोल आप अगर कहें रिप्रोडक्शन का मेन रोल तो किसका होता है, फ्लावर का होता है। आपने देखा होगा फ्लावर जब खिलता है सभी को अट्रैक्ट करता है, आप देखते होंगे गार्डन में अगर जाते हैं, फ्लावर सभी को अट्रैक्ट करता है, काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। आप फ्लावर एक टाइम पीरियड के साथ वो मतलब मुरझाने लगता है, और मुरझाने के साथ कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। ये आपके बुक में भी फिगर दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये फिगर कुछ टाइम पीरियड के बाद फ्रूट में चेंज हो जाता है, और फ्रूट के अंदर हमें क्या मिलता है सीड मिलता है, जिससे एक प्लांट से दूसरे प्लांट के रिप्रोडक्शन में मेन रोल हम कह सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट आर सीड।
अब हमने यहाँ पढ़ा कि फ्लावर से किस तरीके से फ्रूट में चेंज होता है। डियर स्टूडेंट, प्लांट्स के जो रिप्रोडक्शन का काम है वो सीड के द्वारा ही होता है। ये हमें पता ही है कि अगर हम सीड लगाते हैं तो न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। डियर स्टूडेंट, कुछ जो फ्रूट हैं उसमें एक ही सीड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो में क्या देखा है आपने कि टू सीड, दो सीड मिले नहीं ना, उसमें एक ही बीज होता है, एक ही सीड होता है। तो कुछ फ्रूट हैं जिसमें तीन चार होते हैं या पांच छह। फॉर एग्जांपल एप्पल, ऑरेंज, इसके अंदर अगर आप सीड्स को सीड की क्वांटिटी अगर देखेंगे तो 3 से 4 या 6 7 होते हैं। और यहीं अगर आप पपाया को देखें, वाटरमेलन के अंदर देखें तो इनके अंदर मेनी ऑफ सीड्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा कि प्लांट्स के पार्ट्स किस तरीके से उसकी हेल्प करते हैं और पार्ट्स के प्रत्येक जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या रोल हैं, क्या क्या उनके पार्ट्स प्लांट्स के लिए काम करता है और किस प्रकार से एक सीड के द्वारा न्यू प्लांट ग्रो करता है और इस प्रकार से प्लांट्स का रिप्रोडक्शन वर्क मतलब जो है प्रोसेस जो लाइफ सर्कल जो है चलता रहता है। डियर स्टूडेंट, आई होप ये चैप्टर आपने अच्छे से समझा, अच्छे से इस चैप्टर को एंजॉय किया। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस चैप्टर को आप वापस से रीड करें और इस वीडियो को अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को मैं आपको PDF के थ्रू जो है आपको सेंड कर दूंगी और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप धीरे धीरे लर्न भी करते रहें। ओके, थैंक यू।